माई ऑनलाइन क्लासेस क्लास फोर्थ मैथ एनसीईआरटी एंड चैप्टर नंबर 4 टिक 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 द टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ टाइप. सो फर्स्ट माई सेल्फ राजीव पांडे फ्रॉम द शिवराज सिंह चिल्ड्रन अकेडमी. माई डियर स्टूडेंट, इन लास्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द 24 hour clock अबाउट द 12 hour clock. हमने लास्ट वीडियो में इस कुछ चीज़ों को देखा था कि किस तरीके से 24 hour clock में टाइमिंग को शिफ्ट करते हैं और किस तरीके से 12 hour clock में हम टाइम को शिफ्ट करके पुनः देखते हैं. सो माई डियर स्टूडेंट्स, मैंने 12 hour clock को आपको बताया था कि जो टाइम होता है, हमारा जो टाइम होता है वो एक्चुअल में किस पे बेस्ड होता है, वन डे पे, केवल वन डे पे बेस्ड होता है. ये केवल वन डे पे बेस्ड होता है और जो वन डे है उसे किस तरीके से 24 hour में डिवाइड किया गया है, 24 hours में डिवाइड किया गया है. और 1 hour जो घड़ी का निडल्स होते हैं, जो क्लॉक के निडल्स होते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि हमारे डे का 1 hour, 2 hours लेफ्ट हो चुका है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो 12 hour का क्लॉक होता है, मैंने आपको बताया था कि जो 12 hour का क्लॉक होता है वो शिफ्ट वाइज काम करता है. 12 hour शिफ्ट वाइज क्लॉक काम करता है, मीन्स ये 12 hour का क्लॉक 2 shift में काम करता है, एक AM के रूप में और दूसरा PM के रूप में, एक AM के रूप में और एक PM के रूप में. मतलब मिडनाइट से नून बिफोर का जो टाइमिंग होता है, 12 hour का जो शिफ्ट होता है उसे हम AM कहते हैं, एंड आफ्टर द नून मीन्स दोपहर के 12 बजे के बाद से लेकर मिडनाइट 12 बजे तक के टाइम को हम PM कहते हैं. इसके बाद AM का मतलब, माय डियर स्टूडेंट्स, AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम टाइम, ठीक है, एंटी मेरिडियम. और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन. मतलब AM का मतलब हो गया 12 hour, पहले शिफ्ट का 12 hour एंड आफ्टर दैट 12 hour. जैसे मैंने बताया था कि अगर 24 hour को अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल में 12 hour ये हो गया, 12 hour ये हो गया. तो मिड जब बीच से डिवाइड करेंगे तो हमने इसे AM ले लिया और इसे PM में ले लिया. तो यहाँ पे मॉर्निंग का जो नाइट 12 से ले करके दोपहर के 12 तक का जो समय होता है उसे कहते हैं AM, उसे क्या बोलते हैं, AM. और जो 12 के बाद का समय होता है उसे बोलते हैं PM, यानी कि दोपहर के बाद से लेकर के रात के 12 PM तक का समय क्या कहलाता है, मिडनाइट का समय क्या कहलाता है, PM कहलाता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट इन द लास्ट वीडियो. सो हियर वी आर डिस्कस समथिंग स्पेशल. वी नो दैट एक्चुअल द टाइम इज रनिंग अकॉर्डिंग द 24 hour clock. सो माई डियर स्टूडेंट्स, वैन वी चेंज 12 hour clock timing in 24 hour clock, जब हम टाइम को 12 hour clock को किस में चेंज करते हैं 24 hour clock में, तो हम दो तरीके से वर्क करते हैं. कैसे वर्क करते हैं, टू टाइप्स वर्क करते हैं. फर्स्ट, मान लो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारा 12 hour का क्लॉक होगा, ठीक है, वो क्या होगा, या तो AM में होगा या तो PM में होगा. अगर आपकी टाइमिंग, जो भी टाइमिंग आपकी दी गई है, मीन्स अगर बुक्स में कहता है AM और PM, तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं दैट टाइम, ये जो घड़ी की टाइमिंग है ये किस में है, 12 hour clock में है,
12 आवर क्लॉक में है। तो हम अब इसे चेंज कैसे करते हैं, तो फर्स्ट टाइप हम ये देखते हैं कि जब भी आपका टाइमिंग एएम में दिया हो, ठीक है भाई, एएम और पीएम, ठीक है, व्हेन टाइम गिव्स, व्हेन टाइम गिव्स इन एएम, किस में दिया गया हो, एएम में दिया हो, ठीक है। जब आपकी टाइमिंग किस में दिया हो, एएम में दिया हो, सो व्हाट वी डू, तब हम क्या करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, जब हमारी टाइमिंग एएम में दिया हो, देन हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे मान लो ये कोई क्लॉक है, ठीक है, ये कोई क्लॉक है 24 आवर की, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 9, यहाँ पे 18, लुक हियर, ऐसी होती है 1 2 3 4 5 6, सॉरी 3 4, सही बन नहीं रहा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, दैट्स योर वॉच। एंड नाउ हियर मान लो आपकी ये 12 आवर की क्लॉक है। अब यहाँ पे जो 12 आवर की क्लॉक होगी, आप देखेंगे टाइम के अकॉर्डिंग ये इसे शिफ्ट, यहाँ से शिफ्ट होती रहती है, ठीक है। तो जब यहाँ से आप 12 आवर की क्लॉक को देखते हैं, तो हमारी जो टाइमिंग की शिफ्टिंग होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एएम में काउंट होता है, एएम में काउंट होता है। तो मींस जब हमारा टाइमिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 और 12 एएम की बात कर रहा है, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंटली समझ जाइए, ठीक है, मिडनाइट की बात छोड़ दिए, 12 को छोड़ दिए, 11 एएम तक की बात कर रहा है, 1 से लेकर के 11 एएम तक, ठीक है, एएम की बात कर रहा है, तो आपका टाइमिंग सेम वही रहेगा। मींस अब अगर यहाँ पे ये टाइमिंग दिया हुआ है, एएम दिया हुआ है, तो इस टाइम को अगर चेंज करना है 24 आवर में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 00 ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर कोई भी टाइम एएम में है, तो उस टाइम में हम 24 आवर में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 00 ऐड कर देंगे। अब मान लो यहाँ पे कोई क्लॉक दिया हुआ है, एग्जांपल देखिएगा, जैसे 1:30 AM, ये कह दिया कि इसको कन्वर्ट कीजिए किस में, 24 आवर में। तो आप मान लो यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा 00 ऐड कीजिए, अब ये 24 आवर में आपका कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, 24, यहाँ पे HH लिख दीजिए, ये आपका चेंज हो गया किस में, 24 आवर क्लॉक में टाइमिंग ये आपका चेंज हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो यहाँ पे हमने 2:30 PM रखा, 2:30 AM रखा, ठीक है, 2:30 AM रखा, अब इसको भी हमें कन्वर्ट करना है किस में, 24 आवर क्लॉक में, तो हम यहाँ पे 00 ऐड करेंगे, और 00 ऐड करने पे ये हमारा टाइमिंग होगा 03:30 AM, यहाँ से AM हट जाएगा और HH आ जाएगा, मींस ये 24 आवर की टाइमिंग की बात कर रहा है। अंडरस्टैंड, ओके माय डियर स्टूडेंट, ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप, बहुत बढ़िया। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे पूछिए कि सर 12 आवरिंग की कम आपने क्यों नहीं लिखा, 12 AM भी तो होता है, या ऑफकोर्स होता है 12 AM के लिए भी 00 ही होगा, लेकिन जब हम 12 AM से ऊपर जाएंगे, जब PM आ जाएगा, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती है, लेकिन 12 AM तक भी यही सिस्टम चलेगा, 12 AM में भी आप क्या करेंगे, 00 ऐड कर देंगे ऑलवेज, ठीक है। तो वहाँ पे 12 AM जब होगा, तो
वहाँ पे आपका टाइमिंग 00 माना जाता है। तो लिसन, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे मान लो अब जैसे मान लो यहाँ पे 4:50 AM बोल दिया कि इसे आप कन्वर्ट कीजिए 24 आवर क्लॉक में। तो 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बोला कि इसको आप ऐसे 50 रखिए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 00 ऐड कर देंगे शिफ्ट करने के लिए, इसे 24 आवर क्लॉक में चेंज करने के लिए। ये टाइमिंग किस में चेंज करने के लिए, 24 आवर में। तो यहाँ पे 00 ऐड कीजिए, 0540, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर सेम वही का वही रहेगा। कुल मिला के इतना जान लीजिए टोटली इफ कि जब एएम रहेगा तो अगर हम उसे 24 आवर में कन्वर्ट करेंगे तो टाइम चेंज नहीं होगा। यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है, यहाँ पे केवल एएम हो गया, लेकिन यहाँ पे बगल में इसके राइट करके आ गया, एचएच लिख के आ गया। ठीक है, देखिए बड़े बड़े घड़ी में जो लगे होते हैं, क्लॉक्स लगे होते हैं जो 24 आवर में टाइम बताते हैं, उनके साइड में ऐसे ऐसे लिख के आता है, एचएम करके, हावर एंड मिनट ऐसे करके लिख के आता है एचएम करके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इतनी चीज़ें समझ जाइएगा। अभी अब ये 12 आवर में क्लॉक आप देखेंगे तो इसके साइड में एएम लिखा रहेगा। ठीक है, किस में लिखा रहेगा, एएम लिखा रहेगा, लेकिन जैसे ही आप 24 आवर में देखेंगे तो उसके साइड में एचएम लिखा रहेगा। ओके, ठीक है। आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल्स लेके आपको समझाता हूं। मैंने अभी तक के इस क्लास में आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया कि सबसे पहली चीज मैंने बताया कि जब भी हम एएम को, एएम अगर किसी भी टाइमिंग में एएम या पीएम दिया हो तो वो जान जाइए वो टाइमिंग किस में देख रहा है, 24 आवर क्लॉक में नहीं, 12 आवर क्लॉक में देखा जा रहा है। वो जो घड़ी है वो घड़ी कैसी है, 12 आवर की घड़ी है। कैसी है, 12 आवर की घड़ी है। और अगर घड़ी में एएम और पीएम नहीं दिया हुआ है, केवल एचएम लिख के साइड में आ रहा है, तो मान लीजिए वो टाइमिंग किस में किसकी बात कर रहा है, 24 आवर क्लॉक की बात कर रहा है। आप रेलवे स्टेशन पे देखे होंगे, अक्सर वहाँ पे 24 आवर क्लॉक में ही टाइमिंग बताता है। जैसे बोल रहा है कि देहरा एक्सप्रेस 19:50 AM पर आएगी। तो डियर स्टूडेंट, 19 का मतलब हो गया कि टाइमिंग आपका 90 आवर वन डे से लेफ्ट हो चुका है, और 50 मिनट जब लेफ्ट हो जाएगा तो वो देहरा एक्सप्रेस आएगी। तो एएम पीएम, हम एएम के कन्वर्जन की बात कर रहे थे, तो फिर मैं बताऊंगा, फिर से वही चीज बता रहा हूं कि एएम को जब भी कन्वर्ट करेंगे 24 आवर क्लॉक में तो भैया हम उसमें 00 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 00 ऐड करेंगे, और उसके साइड में एएम को हटाकर यहां पर एचएम लिख देते हैं। अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको कुछ थोड़ी देर पहले देके समझाया, ठीक है, तो आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, जैसे एक बार फिर से मैं एग्जाम्पल देख रहा हूँ, जैसे मान लो ये 11:45 AM है, ऐसे कह रहा है काउंट कीजिए 24 आवर क्लॉक में। इसे किस में काउंट करना है, 24 आवर क्लॉक में। मैंने कहा कि एएम को कन्वर्ट करने के लिए 24 आवर क्लॉक में आप क्या करते हैं, 00 को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिखिए, 11:40 लिखा है, यहाँ पे ऐड करना है 00:00। ठीक है, तो 5:00, 4:00, यहाँ पे टाइमिंग कोई चेंज नहीं होगा, नो शिफ्ट, यानी कि एचएम हो गया, 11:45 हो गया। अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट, तो आई होप ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जब पीएम रहेगा टाइमिंग में तो पीएम को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे 24 आवर में।
ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। एएम कन्वर्जन के बारे में जाना, ठीक है। नाउ टू स्टार्ट द कन्वर्जन ऑफ पीएम। अब हम पीएम की बात करते हैं, ठीक है, कि जब टाइमिंग आपका पीएम में दिया हो 12 आवर, हमने यहाँ पे समझा, हमने आपको बताया कि जब एएम को कन्वर्ट करेंगे तो आपकी टाइमिंग वहाँ 12 आवर तक सेम रहती है, ठीक है। 12 आवर के बाद आपको क्या करना है, जैसे ये चेंज हो जाए, जो आपका ये इसकी जो पहचान है बगल साइड में 12 आवर का एएम, ये जैसे ही चेंज हो जाए पीएम में हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आप राइट कर लीजिएगा, वरना हमेशा डाउटफुल में रहेंगे, ठीक है। इरेज कर रहे हैं, ओके। तो यहां पे देखिए, व्हेन टाइम गिवेन इन पीएम, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब टाइमिंग पीएम में दिया है, तो मैं फिर से बता रहा हूं कि वो किसकी बात कर रहा है, 12 आवर क्लॉक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 12 आवर क्लॉक की बात करेगा। तो 12 आवर क्लॉक की बात करेगा तो भैया कहां से स्टार्ट होगा, यहां से 24 आवर क्लॉक में हम कहां से देखेंगे, जैसे मैंने यहां पे इस क्लॉक में बताया अभी, ठीक है, जैसे इस क्लॉक में बताया कि यहां पे चलेगा, यहां से फिर यहां पे आएगा 12 आवर क्लॉक में, यहां से चलेगा स्टार्ट होगा, क्योंकि टू शिफ्ट में काम करता है ना 12 आवर का, और एक एएम में और एक पीएम में। तो पीएम में जब हम काउंट करेंगे 24 आवर का, तो 12 आवर के बाद से स्टार्ट हो जाता है पीएम में। तो जब पीएम में कन्वर्ट करेंगे, मान लो आपकी टाइमिंग, ठीक है, टाइमिंग आपकी कैसे दी हुई है, पीएम में दी हुई है। अब आपकी अगर टाइमिंग पीएम में दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, वन को छोड़ देंगे। किसको छोड़ देंगे, इस वन को आप ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, इसको लेफ्ट कर देंगे। बाकी अगर वन से कम मार्क्स दिखा रहा है उसमें, ठीक है, या 12 मार्क्स दिखा रहा है, ज्यादा दिखा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 12 तक, ठीक है। तो आप उसमें क्या करना है, 12+00 ऐड कर देना है। किसमें, पीएम में ऐड करना है। किसमें ऐड करना है, पीएम में ऐड करना है। अब मान लो आपकी टाइमिंग यहां पे दे दिया 1:30 PM, ये दिया किसमें, पीएम में दे दिया, ठीक है। अब इसे आपको 24 आवर में क्लॉक में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, 24 आवर क्लॉक में। तो व्हाट वी विल डू, तो आप क्या करेंगे, जैसे इसे आप देखिए यहां पे पीएम वर्क कर रहा है, तैसे ही यहां पे 12 आवर इसमें ऐड कर दीजिए। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां पे जब 12 ऐसे 00 करके ऐड कर देंगे, तो आपकी टाइमिंग क्या हो जाएगी 24 आवर क्लॉक में, आपकी टाइमिंग हो जाएगी 0 3 2+1 3 and 30 30, ठीक है, 13:30 हो जाएगा, और आपका ये न्यू टाइमिंग हो जाएगा, 24 आवर क्लॉक में। समझ में आ रही बात, ठीक है, समझ में आई बात ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से दूसरा एग्जांपल देखिएगा, इस क्लॉक को इरेज कर दे रहे हैं हम। नेक्स्ट देखिएगा, अब मान लो यहां पे 4:35 PM की बात कर रहा है, ठीक है, 4:35 PM की बात कर रहा है, और इसे कन्वर्ट करना है आपको 24 आवर क्लॉक में, ठीक है। तो व्हाट विल डू, तो आपको 24 आवर क्लॉक में करना है, तो आपको जैसे ही मिलेगा यहां पे देखिए पीएम है, क्या है, पीएम है, तो देन यू एडेड हियर 12 आवर एंड नेक्स्ट योर नंबर्स काउंट हियर 5, 3, 6 and 1। अब आपका ये टाइमिंग किसमें आ गया भैया, ये टाइमिंग आपका कन्वर्ट हो गया है 24 आवर क्लॉक में। किसमें चेंज हो गया है, 24 आवर क्लॉक में। अब आपका टाइमिंग ये बता रहा है 14:35, यानी कि जो क्लॉक में 4:35 PM हो रहे थे, वो आपके 24 आवर क्लॉक में 16:35 होंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है।
बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए समझना है कि 12 अगर मान लो आपके क्लॉक में, ठीक है, आपके क्लॉक में 12:30 या 12:01 से 12:59 तक का टाइमिंग दिया हुआ है पीएम में, किसमें, पीएम में, तो इसके लिए क्या करेंगे। यहां पे इसी चीज को ध्यान में रखना है, ये थर्ड टाइप का है, इसको क्या रखना है अपने माइंड में रखना है, इस टाइमिंग के लिए हम क्या करेंगे, वही कंडीशन अप्लाई करेंगे यहां पे 00 जैसे हम एएम के लिए करते थे। अब यहां पे हम जैसे ही 00 अप्लाई करेंगे आपका टाइमिंग 24 आवर में चेंज होगा, ठीक है। तो इसको अपने माइंड में रखिएगा हमेशा कि अगर पीएम है केवल 12:30 से लेकर इतने 30 की बात कर रहा है तो हम 00 ऐड करेंगे। अब मान लो 12:05 पीएम है तो यहाँ पे 00 ऐड कीजिए और आपका टाइमिंग कितने हो जाएगा, ठीक है, एच यानी कि दोपहर के कितने बजे हैं, 12:05। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको एएम और पीएम अच्छे से समझ में आ गया है, एएम को कैसे हम चेंज करेंगे 24 आवर में और पीएम को कैसे कन्वर्ट करेंगे 24 आवर में। यू नो दैट्स इजली, यू समझ में आ रही बात, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस वीडियो के लेक्चर के बाद। अब चलिए मैं कुछ आपको क्वेश्चंस देता हूं और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी, अपनी कॉपी पे राइट कीजिए। जैसे मान लो मैं अभी कह रहा हूं कि ये 9:45 PM, ठीक है, इसे आप कन्वर्ट करके दिखाइए कि एक 24 आवर क्लॉक में इसकी टाइमिंग क्या होगी, ठीक है। आपका स्कूल का प्रेयर कितने बजे होता है, मॉर्निंग में एएम में होता है या पीएम में होता है, एएम में होता है ना, तो मॉर्निंग में क्या होगा, एएम होगा, ठीक है। तो मान लो 7:35 पे आपका इसको कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, पीएम चेंज कीजिए 49 PM, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इतनी चीज़ों को देखिएगा। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इन्हें कैसे कन्वर्ट करना है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे ज़रूर होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी एक वन कंप्लीट पीएम रहेगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, तब हम 12 ऐड करेंगे, वहाँ से हम 12 ऐड करते हैं 12 आवर, लेकिन जब यहाँ पे कंप्लीट वन नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 00 ही ऐड करेंगे, कहाँ तक, 59 मिनट तक। तो इसका मतलब ये हुआ जब पी एम, इसको अब ये इंसेप्शंस है, 45 PM को जब हम 24 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये टाइमिंग क्या है, पूरा कंप्लीट नहीं है, तो कहाँ तक, 59 तक, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम 00 रखेंगे और यहाँ पे आपका टाइमिंग हो जाएगा 45:12, ये हो जाएगा ये 4, ठीक है। तो ये रात के डे का ही 12:45 हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो इन चीज़ों को बहुत ही केयर कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके बात कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।